हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों मैं पाल बी बसनायत क्या इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंडस नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी का तय दिल से स्वागत करता हूं, मोस्ट वेलकम स्पेशली ये लाइफस्टाइल बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम जो हर रोज शाम को साढ़े आठ बजे होता है तो अभी आपने जो प्रोग्राम देखा उस प्रोग्राम में जो बातें सुनी वो शायद आपकी लाइफ के लिए एक जबरदस्त बदलाव लाने वाली चीजें थी और ये एक प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम जिसको मैं सुनता हूं तो मैं भी एक्साइटेड हो जाता हूं, मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूं, जो ट्रेनिंग मैंने खुद दी है राइट पावर इस इंडस्ट्री की पावर इस इंडस्ट्री की ताकत और इस दौरान में आपने कियांस के बारे में भी समझा स्पेशली जो हमारे लीडर्स हैं उनको छोड़कर जो हमारे गेस्ट पहली बार आए हैं उनकी बात करूं तो आप में से जो भी लेट हो गए हैं उनका मैं कुछ कह नहीं सकता हूं अगर आपने ठीक साढ़े आठ बजे प्रोग्राम को अटेंड किया था तो ठीक साढ़े आठ बजे हमने आज सबसे पहले ओ पी पी शुरू की और लगभग पंद्रह से बीस मिनट की ओपीपी थी ऑफिस के बाद एक ट्रेनिंग हुई और ये जो नौ बजकर पाँच मिनट हुए हैं अब आज का एक स्पेशल टॉपिक जिसके लिए आप फिर दोबारा हैं हमारे बीच में मैं उसको लेकर आपके बीच में हाजिर हूँ हर रोज इस काम को करने के लिए हम अलग 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 तरीके से अलग अलग टॉपिक पे आपको कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस अपना नॉलेज हम शेयर करते रहते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप यहां आते हैं तो डेफिनेटली ध्यान से सुनते होंगे और अगर इन चीज़ों को अगर आपने लाइफ में यूज़ कर लिया तो इसी इंडस्ट्री में आप जबरदस्त तरीके से अपनी ज़िंदगी बदल सकते अभी हमने हिमाचल प्रदेश में एक शानदार प्रोग्राम किया जुलाई में और हर महीने जब से ये रेस्ट्रिक्शंस ओपन हो गई हैं तो हम सब लोग मूव कर रहे हैं मार्केट में हम सब लोग मार्केट में जाकर काम कर रहे हैं और मीटिंग सेमिनार गेट टूगेदर किसी न किसी फॉर्म में सभी लीडर पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपनी अपनी टीम को लीड कर रहे हैं तो दोस्तों ऐसे ही टीम गुजरात जो कि पूर्वा बोगरा जी के लीडरशिप में वहाँ पर काम कर रही है इन्होंने एक प्रोग्राम रखा है अभी योगराज जी ने हिमाचल में रखा था और दोनों ही गोल्ड लाइन जो कि डायरेक्टर की, की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐसे ही लीडरशिप आप भी दिखाइए आपकी टीम हो सकता है छोटी हो पांच लोगों की टीम हो दस लोगों की पचास लोगों की सौ लोगों की दो सौ लोगों की तो सबकी शुरुआत ऐसी हुई थी तो अपनी टीम को आप ग्रूम कीजिए उनको एजुकेट कीजिए ट्रेंड कीजिए मोटिवेट कीजिए और कोई कमी रह जाती है तो बहुत सारे सीनियर लीडर हैं और इसके अलावा ये जूम का पैनल जो शाम को हर रोज आई डी नेट सिस्टम का ओपन होता है आपके लिए तो आज आपके बीच में मैं हूं इस बिजनेस में लेकिन यह कहानी आज से ठीक अठारह साल पहले शुरू हुई अठारह साल पहले मैं भी आप ही की तरह जीरो से इस बिजनेस में आया था जीरो से जीरो कोई कांटेक्ट नहीं कोई लिंक नहीं कोई पैसे नहीं कोई ख्वाब नहीं कोई सपने नहीं कोई गारंटी नहीं लेकिन हमने एक ही चीज़ देखा हमसे पहले अनगिनत लोग पूरी दुनिया में अपनी जिंदगी बदल चुके थे इस इंडस्ट्री से यहाँ से इंटरनेशनल बिजनेस से इसीलिए हमने एक ही बात सोचा कि जब दुनिया में इतने सारे लोग बदल सकते हैं तो अपनी भी बदलेगी और फिर वो कमिटमेंट वो जज्बा वो पैशन और वो ईमानदारी और मेहनत काम किया रेस्ट इज हिस्ट्री आप देख सकते हैं जो अचीवमेंट हैं आज ऑल अचीवमेंट्स आर हिस्टोरिकल अनबिलीवेबल मैंने कभी कल्पना नहीं की थी इस इंडस्ट्री में कि मैं इस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज करूंगा तो दोस्तों ये जो इंडस्ट्री है अपने आप में ये इंडस्ट्री मैं कहता हूं चमत्कार इस इंडस्ट्री में जो शक्ति है जो ताकत है एक आम आदमी जिसके बस का कोई काम नहीं है इस दुनिया में ना वो भी इस काम को करके अपने आप को लीडर प्रूफ कर सकता है लीडर यू आर और आपको अपने प्राउड फील होगा कमाल हो गई अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं था कि कभी मैं लीडर बनूंगा यहां पे आप प्रूफ कर रहे होंगे और दुनिया को लीड कर रहे होंगे क्योंकि यहां पर सीखने का और सिखाने का बिजनेस सही सबसे पहली बात है सीखिए नंबर वन सीखना है और नंबर टू सिखाना है अगर आपने सीखा होगा अब तभी सिखा सकते हैं और इस बिजनेस में हम लोग लीडर्स को दोस्तों लीडर्स को ढूंढते हैं क्योंकि लीडर्स तो हैं लीडर्स कौन होते हैं कहते लीडर बनाए नहीं जाते हैं लीडरशिप दी नहीं जाती है लीडरशिप ली जाती है लीडरशिप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब इंसान रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी लाइफ को लेकर अपनी जिंदगी को लेकर अपने परिवार को अपनी फैमिली को लेकर अपने फ्यूचर को लेकर तो वो लीडरशिप की कैटेगरी में आ जाता है उसी दिन जिस दिन वो डिसीजन लेता है कि मुझे अपनी जिंदगी को लीड करना है मेरी जिंदगी की जो चाबी है ना कोई और नहीं भरेगा उस दिन वो लीडर बन जाता है जब तक आपकी जिंदगी की चाबी कोई और भर रहा है ना आप लीडर नहीं है पाल जी तो छोड़ दीजिए भगवान जी भी आ गए ना वो भी आपको बदल नहीं सकते हैं क्योंकि किसी और की चाबी तो वही है फिर वो जो गाना था ना एक कि जितनी चाबी भरी राम ने उतनी चलेगा खिलौना राइट तो कहानी वही है कि अगर किसी और ने मोटिवेट कर दिया किसी और की बातों से मोटिवेट होते हैं आप तो आपका मोटिवेशन जो है टेम्प्ररी है आपका परमानेंट मोटिवेशन क्या होगा जब आप खुद डिसीजन लेते हैं कि मुझे इस बिजनेस के अंदर इस काम के अंदर शिद्दत से पैशन से और जुनून से और सिस्टम से मेहनत करना है काम करना एक अलग बात होती है और तरीके से काम करना एक दूसरी बात होती है और हमारे पैनल में ऑलमोस्ट हर रोज यही चीजें सिखाई जाती हैं और कहते हैं दोस्तों आपने देखा भी होगा प्रैक्टिस होती है प्रैक्टिस करने की भी प्रैक्टिस होती है और सुनने की भी प्रैक्टिस होती है पढ़ने की भी प्रैक्टिस होती है देखने की भी प्रैक्टिस होती है आप सोचिए प्रैक्टिस जो आप देखते हैं ना कोई फिल्म में हीरो बन गया उससे पहले उसने भी प्रैक्टिस की होती है कोई शानदार गाना आप सुनते हैं वीडियो एल्बम आ गई उससे पहले बता कितनी प्रैक्टिस की जाती है उस एल्बम को तैयार करने के लिए कोई मूवी का हीरो आता है वो ऐसे नहीं बन जाता है कोई क्रिकेट का खिलाड़ी बन जाता है वो ऐसे नहीं है ना जाने कितने रातें कितने दिन कितने हजारों घंटे उसने प्रैक्टिस की होगी तो हम उस मेहनत को नहीं देख पाते हैं जो उस सक्सेस के लिए कामयाबी के लिए करना जरूरी है तो दोस्तों इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है इस बिजनेस में ये ब्यूटी है कि एक रेडीमेड कॉफी की तरह ही बिजनेस रेडीमेड कॉफी मतलब गर्म पानी किया उसमें कॉफी डाला और पीना शुरू कर दो अब सोचिए इसको बोलते हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा ही चोखा क्यों इधर से लिया इधर दिया इधर से लो इधर से दो राइट तो हींग लगा ना फिट करी रंग चोखा ऊपर वाले से पूछो कैसे अपनी टीम को बताओ वैसे और बीच में कमाओ बहुत सारे पैसे आप बताए क्या लगा डुप्लीकेशन मतलब एक अच्छा डुप्लीकेटर कि क्या आपको मालूम होगा आपने शायद नाम सुना होगा एक शख्स जिसके पास मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट का नाम सुना होगा मैकडी मैकडी का फोर्टी सेवन रेस्टोरेंट का मालिक है वो सैंतालीस मैकडोनाल्ड के रेस्टोरेंट है उसके पास एक मैकडोनाल्ड की जो कॉस्टिंग है मिनिमम पांच करोड़ रुपया फ्रेंचाइजी और उसने सैतालीस अब ये सोच लो जो इतना सारे मैकडोनाल्ड के फ्रेंचाइजी ले सकता है क्या वो अपने नाम का रेस्टोरेंट नहीं खोल सकता है खोल सकता है अगर वो चाहे तो उससे पूछा तो उसने एक ही बात बोली कहते जरूरी नहीं आप जिंदगी में ना नई चीज का आविष्कार करने वाले बनो कभी कभी क्या होता है कुछ चीजों की ना अगर डुप्लीकेटर बन के फायदा होता हो ना तो डुप्लीकेशन कर लेनी चाहिए कहते हैं मैंने डुप्लीकेशन किया मैंने मैकडोनाल्ड का कामयाबी को उनकी सक्सेस को अपनी सक्सेस का हिस्सा बना दिया मैं ओरिजिनेटर नहीं बना मैं ओरिजिनेटर नहीं बना मैं डुप्लीकेटर बन गया राइट तो सेम चीज है ओरिजिनेटर हर बात के ओरिजिनेटर बनने की जरूरत नहीं है जैसे टियांस का सिस्टम है तिहांस ने दिया है आई नेट सिस्टम जो है वो हमारा एक्सपीरियंस है हमारे जैसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने आई नेट सिस्टम के अंदर अपना एक्सपीरियंस अपना नॉलेज और अपना जो मतलब वॉलंटियर सर्विस है ये आगे रह के आगे रह के कि हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आई नेट सिस्टम के अंदर आकर सर हमें भी आप शामिल कीजिए दिस इज द पावर कोई किसी को यहाँ पे नहीं मिल रही है आई डी नेट से ना किसी को कोई फीस मिल रही है फिर भी वो आगे रह के ताकि लोगों का भला हो का फायदा हो मतलब दिस इज कॉल विदाउट फीस बिना किसी लालच के बिना किसी आ, क्या बोलते हैं उसको अपने आ, स्वार्थ के निस्वार्थ भावना के साथ में इस सिस्टम में आगे जब ट्रेनिंग देते हैं एजुकेट करते हैं अपनी बातों को शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं तो एक दूसरे को देख दूसरे लोग कितना मोटिवेट होते हैं कितने जबरदस्त तरीके से चार्ज होते हैं तो दोस्तों ओरिजिनेटर बनने की जरूरत नहीं है डुप्लीकेटर बन के कामयाब हो सकते हैं और मैगडी का जो फार्मूला था उस शख्स ने अपनाया सैतालीस खोले सैतालीस रेस्टोरेंट सोचो आप बल्ले बल्ले हम इस बिजनेस में आए हमने क्याश का अडॉप्ट किया प्रोडक्ट बनाती है बेस्ट प्रोडक्ट क्या का ग्लोबल ब्रांड है क्या का मार्केटिंग प्लान है क्या का ऑपरेशनल सिस्टम है क्या के ऑफिस हैं का बहुत सारी चीजें हैं मोबाइल ऐप है वेबसाइट है ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन ज्वाइनिंग होम डिलीवरी सब सिस्टम कौन दे रहा है लेकिन अब मैं एग्जांपल देता हूं मेरे आसपास में बहुत सारी इलाके हैं बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे त्यांस का बिजनेस नहीं है अभी त्यास तो इंडिया में है लेकिन क्यास वहां पर नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वहां पर कोई लीडर नहीं है क्यास दुनिया में वही है जहां लीडर है आप समझ रहे लीडर के बिना क्या नहीं है और क्यास के बिना लीडर नहीं है और लीडर को लीडर वाले काम करने पड़ेंगे ट अपने काम कर रहे हैं तो एज ए लीडर एज ए बिजनेस पर्सन बिजनेस वुमेन बिजनेस मैन एंट्रप्रन्य हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइक का लीडर वी हैव टू लीड इट आज जो बातें बताई आपको और आज के जो टॉपिक है उसमें यह है कि अगर आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी अप्रोच को करेक्ट करना बड़ा जरूरी है क्योंकि हम जब जुड़े होते हैं जब जुड़ते हैं इस बिजनेस में तो एक्साइटमेंट का लेवल होता है कुछ और जबरदस्त तभी तो हमने पैसे निकाले होते हैं जेब से जब जोश होता ना अरे भाई साहब लगाओ एंट्री ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम कहीं से भी कर लेते हैं आप ऐसा होता है ना कि जोश है एक्साइटमेंट है बिलीव किया आपने ज्वाइन कर लिया लेकिन जब करने निकलते हैं तो ये पता नहीं होता है करना कैसे क्योंकि दोस्तों जिस काम को आप कर रहे थे ना हो सकता है उसमें आप पहले से मास्टर हो जिस काम को का आप कर रहे थे लेकिन जरूरी नहीं है इस काम के आप मास्टर हो क्योंकि ये काम आपके लिए नया है आप हो सकते हैं प्रिंसिपल हो स्कूल के लेकिन हो सकता है आपको रोटी बनाना नहीं आती हो सब्जी बनानी ना आती हो क्यों कभी आपने कुकिंग नहीं की खाना नहीं बनाया तो आप आप छोटे थोड़ी होगे भाई आप अपनी फील्ड में मास्टर हो उस फील्ड में हो सकती है आपकी वाइफ मास्टर है अगर आपको सीखना है कुकिंग तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनको आप पूछ सकते हैं कि आप बताएं मुझे सब्जी बनानी है तो किन बातों का ध्यान रखना है मुझे रोटी बनानी है तो किन बातों का ध्यान रखना है तो आप भी सीख जाएंगे ये कहना कि मैं तो स्कूल का प्रिंसिपल हूं मैं तो हजारों बच्चों को पढ़ाता हूं बच्चों को टीचरों को कंट्रोल करता हूं रोटी क्या चीज है मैं बता रहा हूं रोटी का नक्शा बन जाता है भारत माता का रोटी नहीं बनती है गोल गोल क्यों क्योंकि उसका आपने अनुभव नहीं है सेम इस बिजनेस में जब आप आते हो जुड़ जाते हो उसके बाद जो विश्वास का लेवल जबरदस्त होता है एक्साइटमेंट जबरदस्त होता है और आपको पता क्या लगता है इतना अच्छा है इतना अच्छा है जिसको बताऊंगी वही जुड़ जाएगा जिसको बताऊंगा वही जुड़ जाएगी या जुड़ जाएगा जो भी है ऐसा लगता है ना भाई भी जुड़ जाएगा बहन भी रिश्तेदार भी दोस्त भी सब कुछ बट सडनली क्या होता है क्योंकि हम अपने हिसाब से बताना शुरू कर देते हैं आपको नहीं पता जिसने आपको बताया था या तो बाय डिफॉल्ट तो सही बता गया कहानी समझ आ गई या हो सकता है उसमें उसने तरीके के साथ आपको अप्रोच किया था चीजें आपको तब समझ आई थी या फिर कुछ ऐसा कुदरत का कानून चल रहा था हो गया राइट ना अंधेरे में लठ मारा और लग गया एक तो वो होता है ना दो में से एक कारण हो सकते हैं आप आ गए लेकिन आपके साथ जरूरी नहीं है जब आपने सीखा ही नहीं है अंधेरे में लठ मारे हो और लगे नहीं तो क्या बोलोगे सर नहीं लग रहा नहीं जुड़ रहे कमाल हो गई सर आपका क्या होगा जो बिलीफ का लेवल है जो एक्सपेक्टेशन का जो लेवल है बिलीफ जो है डाउट में होना शुरू हो जाएगा डाउट आना शुरू हो जाएगा शक होना शुरू हो जाएगा अरे भैया ये क्या हो गया बिलीफ डाउट में कन्वर्ट हो जाएगा जो एक्सपेक्टेशन थी वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और ये नहीं समझ आएगा करें तो करें क्या करें और ये भी आ सकता है यार कहां फंस गए हम है ना क्यों क्योंकि सिर मुंडाते ओले पड़ गए कहते ना जैसे काम करना शुरू किया ओले पड़ गए सोचिए मतलब सोचा कुछ और था हो कुछ और गया अब क्या किया जाए ऐसे टाइम में अगर आप ऐसे सिस्टम में जुड़े होंगे ऐसे होता है कभी कभी आपने कोई काम धंधा बिजनेस शुरू किया और अनफॉर्चुनेटली वो धंधे में जबरदस्त झटका लग गया आपको आपका घर गिर भी लग गया घर भी चला गया गाड़ी भी चली गई और जो जमा पूंजी थी वो खत्म हो गई रोड पे आ गया राइट अचानक ऐसा हो गया आपके साथ जिंदगी में लेकिन ऐसे टाइम में किसी अच्छे इंसान के संपर्क में आप होंगे या किसी अच्छे गुरु के संपर्क में होंगे आप जरूर उसके पास जाएंगे भाई साहब मैं तो मर गया मैं तो लुट गया मैं पिट गया मैं तो खत्म हो गया अब मैं तो मरने वाला हूं अपनी जिंदगी खत्म है ना बर्बाद हो गया वैसा होगा ना ऐसे टाइम में अगर वो गुरु वो टीचर आपके अंदर वो बातें डाल देगा कि आपका मनोबल दोबारा से सुपर चार्ज हो जाए आपको बात समझ आ जाए हाँ यार ये समस्या तो कोई बड़ी है ही नहीं क्योंकि समस्या तो मैं बहुत बड़ा हूं जिस दिन आपने अपनी समस्याओं के बारे में यह समझना शुरू कर दिया ना ये जो भी समस्या है ना इससे मैं बहुत बड़ा इंसान हूं भाई ये समस्या मेरा के क्या है कुछ नहीं है ना जिस दिन आपने अपनी समस्याओं को इतना छोटा बना दिया कोई भी समस्या आपका कुछ नहीं कर सकती अगर आपका इतना बड़ा लॉस हो गया और फिर आपके किसी गुरु ने बोला बेटा टेंशन मत ले, आप दोबारा जो करेगा ना उसमें ये सारी गलतियां नहीं होंगी और अगला जो बाउंस बैक मारेगा ना कुछ और ही होगा जबरदस्त होगा शानदार होगा क्या होगा आपका मनोबल बढ़ जाएगा वो चार कहानियां बता देंगे वो भी डूब गया था वो भी डूब गया था वो भी मर गया था ठीक हो गया बल्ले बल्ले द्वारा वापसी वो लिंकन की कहानी सुनाएगा है ना बीस साल की उम्र से इलेक्शन लड़ने शुरू किए है।, है ना तो पता चला इलेक्शन हार हारता चला गया हार चला गया हार चला गया और पता चला अड़तालीस साल की उम्र में जाके राष्ट्रपति भी बन गया अमेरिका का है ना फिर वो न्यूटन की कहानी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानियां है, है ना तो ना जाने किस किस की धीरू भाई अंबानी ऐसे ऐसे ना जाने कितनी कहानी आपको सुना देगा वो आदमी आपके मन में एक भावना आएगी भाई साहब नो प्रॉब्लम आग लगाएंगे दोबारा क्यों क्योंकि आपको कोई ऐसी जगह मिली सेम चीज है जब आप कामयाब इस काम को करते हो जब कोई फ्रस्ट्रेशन आती है जब डाउट आता है जब आप कामयाब लोगों के झुंड में जाते हो सत्संग में जाते हो मीटिंग में जाते हो जैसे हमारा हर रोज होता है शाम को कहानी शुरू हो जाती है लगता है यह कमाल हो गई मेरा हो नहीं रहा दुनिया का हो रहा है हमारा दुबई नहीं हुआ लोगों का हो गया हमारी कार क्वालिफाई नहीं हुई लोगों की हो गई हमारी भी हो जाएगी अगली बार हम भी जाएंगे नए टूर में इंटरनेशनल टूर में अगली बार नहीं छोड़ेंगे आपकी बार मिस कर लिया फिर यहाँ पे जो बातें सिखाई जाती है ट्रेनिंग दी जाती है उनको आप बार 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 चार्जिंग बैटरी डाउन फिर चार्जिंग बैटरी डाउन फिर तो जो आईडीनेट नेट सिस्टम का ये जो पैनल है दोस्तों ये एक चार्जिंग का काम चार्जिंग स्टेशन है ये इस स्टेशन में जो अपना प्लग कर देगा इसलिए मैं बोलता हूं जिंदगी में कामयाब होना है आप समझाओगे नहीं समझ आएगी लोगों के थर्ड पार्टी प्लग द पीपल इंटू द सिस्टम लिख लो डायरी में प्लग द पीपल इंटू द सिस्टम अगर आपने लोगों को सिस्टम में कनेक्ट कर दिया अपने आप करंट जाएगा आप समझाओगे तो सामने वाला भाव खा सकता है बड़ा समझा रहा है शायद इसको जरूरत है मेरी है ना तभी समझा रहा है इतना। जब आप नहीं ना तो भाव भी नहीं खाएगा वो जमीन में भी रहेगा कभी कभी क्या होता है कुछ लोगों को गोदी पर उठा दो तो तो फिर गड़बड़ कर जाते हैं है ना तो ज्यादा गोदी पे नहीं उठाना है हैंडी कैप हो जाते हैं है ना तो जब तक खुद नहीं चलेगा बच्चा वो कभी मजबूत नहीं होगा टांगों से वही बच्चे की टांगे कमजोर मजबूत होती है जो खुद चलता है खुद दौड़ता है हाँ शुरू शुरू में उंगली पकड़ानी पड़ती है इसलिए ताकि वो गिरे ना या थोड़ा सहारा मिल जाए लेकिन वो जिंदगी बजा के सहारा लेता रहा तो हैंडी हो जाएगा आप क्या ऐसे तो नहीं है आप अपलाइन के सहारे तो नहीं चल रही आपकी उंगली अपलाइन का सहारा सर अपलाइन की उंगली नहीं मिल रही है कब तक चाहिए उंगली है ना एक टाइम तक उंगली मिलेगी उसके बाद भाई छोड़ दो नहीं तो फिर लॉलीपॉप खाना पड़ेगा फिर वो नहीं मिलेगा तो चाहिए क्योंकि बच्चे को मिलता है वो बड़े हो गए नहीं बड़े हो क्या बोलते है? अरे अब भी लॉलीपॉप खा रहे हो क्या ऐसा होता है ना वो अलग बात है कभी मन हो तो खा लेना कोई ऐसी जरूरी नहीं है इतना सीरियस भी मत ले लेना ठीक है ना क्योंकि मैं तो बोलता हूँ कि रहना तो बचपना में ही है असली मजा ही बचपने में है ज्यादा समझदार ज्यादा शाणे बनने वाले लोग हमेशा दुखी मिलते हैं देखा है मैंने जितने बच्चे रहो बन के जितना मस्ती के साथ रहो सब ठीक हो जाएगा बुरा टाइम आ गया तो एक ही बात सोचना जब अच्छा नहीं रहा तो ये बुरा भी नहीं रहेगा हो गया प्रॉब्लम खत्म एक सेकंड के अंदर तो दोस्तों अब बात आती है अप्रोच की कि आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होगी जुड़ गए जुड़ने के बाद आप अप्रोच करने निकले बोल कुछ और बोलना कुछ और था राइट कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है खासतौर से जो नए लोग जुड़ते हैं तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या पता वो हमारे पैनल में आते हो तो कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए मुझे भी तो जब आप आते हो इस पैनल में नए नए हो तो आपको ये सीखना है कि जिसको भी चाहे आपका जान पहचान का है चाहे वो अनजान है सभी के साथ में अब थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है अब आपको सिस्टम को अपनाने की जरूरत है क्योंकि अब आप आप अब दोस्ती तो अपनी जगह है अब आप बिजनेस पार्टनर बनाने निकले हो घर से बाहर राइट जिनको आप जानते थे अभी तो सिर्फ जान पहचान वाली बात थी अब आपको बिजनेस पार्टनर बनने की तरफ तो ज्यादा एक मामला राइट तो अब आपको उस तरीके से अप्रोच करना है क्योंकि जैसे अप्रोच आप करोगे ना वैसे वो भी आगे अप्रोच करेंगे अगर आपने शुरू में गड़बड़ अप्रोच की तो आगे भी वो गड़बड़ करेंगे तो डुप्लीकेशन गलत हो जाएगा सिस्टम ये कहता है कि जब आप किसी को अप्रोच करते हो तो आपको आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए एक्साइटमेंट होनी चाहिए चाहे आप फोन पे हो स्माइलिंग जब आप फोन पे हो बात करो तो स्माइल आपका चेहरे में होना चाहिए ये नहीं है कि मेरे को कौन सा देख रहा मैं को स्माइलिंग करूं नहीं जब आप स्माइल करके कोई बात करते हो कोई कहीं भी होगा उसकी वाइब्रेशन पहुंच जाती है क्योंकि वो आपका वाइब्रेशन बॉडी का अंदर से जो इंटरनल सिचुएशन है वो टोटल चेंज होती है क्योंकि स्माइल के अंदर ताकत है चार्जिंग है पावर है शक्ति है ऐसी शक्ति है स्माइलिंग की सामने हो तो कहानी होगी सेट अगर कोई सामने हो आप स्माइल हो गए डॉक्टर स्माइल करता हो ना और मरीज लेटा पड़ा हो तो आधी बीमारी तो उस ट्यू सी खत्म हो जाती है लेकिन अगर डॉक्टर सीरियस है ना अगर उसकी बीमारी थोड़ी कम भी होगी ना बढ़ जाएगी बोला यार कुछ तो गड़बड़ है डॉक्टर साहब बड़े सीरियस लग रहे हैं है ना तो इसलिए सिखाया जाता है इसकी ट्रेनिंग होती है डॉक्टर्स की कि भैया जो भी हो चाहे आदमी मरने वाला हो तुम्हें तो मुस्कुराना है आप जाएंगे ना एयरपोर्ट एयर एर, एर, एरोप्लेन में एयर होस्टेस की जब पेट में दर्द हो रही हो लेकिन मुस्कुराती हुई मिलेगी आपको नहीं तो तनख्वाह नहीं मिलने वाली समझ लो लाइन में लगी हुई है बहुत सारी लड़कियां हमें बना दो एयर होस्टेस ठीक है ना क्योंकि पैरामीटर है कि आपकी जॉब है आपकी ड्यूटी है उसको परफॉर्म करोगे जिसके लिए आपको रखा गया है जिसकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिम्मेवारी है तो सेम चीज आप स्माइलिंग करके बात करें फोन करें जब आप करें तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप जल्दी में हो राइट किसी को इनविटेशन दे रहे हो आप किसी को मिलने जाना है मिलने से पहले आपको बात करनी है उससे तो आपको सबसे पहले मुस्कुराते हुए थोड़ा अच्छे एक्साइटमेंट के साथ एनर्जी के साथ और हमेशा कोशिश करना है कि थोड़ा चलते हुए खड़े हो के फोन करें अगर आप बैठ के करोगे और लेट के करोगे तो दुनिया लेट जाएगी आपने खड़े होके करोगे बातचीत उसमें आपका एनर्जी ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है एनर्जी लेवल अच्छा होता है और फोकस होता है राइट रिलैक्स नहीं होते हो ध्यान रहेगा स्माइलिंग के साथ आप फोन कर रहे हो और आपने फोन करते ही पहले हाल खबर पूछनी है और क्या हाल चाल है राइट एफ ओ आर एम पे काम करना है फैमिली के बारे में ऑक्यूपेशन और काम धंधा सब ठीक ठाक चल रहा है है ना रिक्षण के बारे में एंड एम फॉर मैसेज क्यों फोन किया आपने उसको राइट रिक्रिश्न अब मैं बोलता हूँ कोई दोस्त है हेलो राम जी कैसे हैं आप सब बढ़िया और घर में मम्मी जी भाभी जी बच्चे लोग कैसे हैं बहुत बढ़िया ओ वेरी गुड ठीक है फिर आप उन्हें और काम धंधा कैसा चल रहा है शानदार बहुत बढ़िया चल रहा है या बोलेगा ज्यादातर लोग बोलेंगे बता रहा हूँ मैं आपको ठीक है जी गुजरात चल रहा है बहुत अच्छे बोलने वाले एक परसेंट मिलेंगे और जो ज्यादा बोलने वाले ज्यादा जा, जा, भी मिलेंगे ना वो भी समझ लो बोल ही रहे होंगे क्योंकि आज की डेट में जो महंगाई चल रही है जो हालात है 98 परसेंट की स्थिति जो है ठीक नहीं है 98 की हेल्थ वाइज 95 परसेंट बता रहे हैं और वेल्थ वाइज तो 98 परसेंट तो कोई बोल भी रहा है तो वैसे बोल रहा है उसको ये नहीं समझ आया पूछा क्या था बोल लिया जी एकदम बढ़िया चल रहा है जी पूछ लेना बढ़िया कैसा चल रहा है और इस बार कहाँ जा रहे हो छुट्टियां मनाने स्पेन जा रहे हो इंग्लैंड जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो हाँ बोलेगा भाई साहब शिमला जाऊंगा शिमला भी नहीं अरे भाई वो तो वैसे ही बोल रहा था आप पूछिए आप अपना खाली टाइम कहाँ बिताते हो आप खाली टाइम में आपकी क्या हॉबी है, है।, है, है गुजारा चल रहा है बढ़िया है अब आर आर बहुत इंपॉर्टेंट है नोट कर लो आर आप एक ही बात पूछो आप अपना खाली टाइम आप अपना खाली समय आप खाली अपने खाली समय में आपकी क्या हॉबी है हॉबी करंट लगेगा करंट चार सौ चालीस बोल्ट का नहीं ग्यारह हजार बोल्ट का बोला हॉबी होबी गई पता भी नहीं हॉबी क्या थी भूल गए अब दुनियादारी में दाल रोटी के चक्कर में इतने फंसे पड़े हैं है ना हालात इतने टाइट हैं हॉबी होबी तो पता ही नहीं है हॉबी भी होगी कभी जिंदगी में पूछो तो सही छूटते रोना शुरू कर देगा सामने वाला अरे भाई साहब क्या पूछ दिया हॉबी यार मरे पड़े यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले तो बोले सब ठीक ठाक चल रहा है अब मरे पड़े हॉबी होबी नहीं है सब गए हुए तो वो खुद बोलेगा और या वही बोलेगा कोई हॉबी नहीं है या बोलेगा मेरे पास खाली टाइम ही नहीं है यहाँ दो चीजें हैं इस क्वेश्चन में दो चीजें छुपी हुई है पहले आपने एक वर्ड बोला आप अपने खाली समय में और मन में उसके क्या जाएगा छूटते ही अरे खाली समय तो है ही नहीं है ना खाली समय है नहीं इसका मतलब बंदा ना बिल्कुल कतई कहते हैं ना इसको निचुड़ा पड़ा है लगा पड़ा है कहीं ना कहीं बारह चौदह घंटा काम कर रहा है लोग नौ बजे निकलते हैं रात को नौ बजे आते हैं मैं बता दूं आपको और खास तौर से ऐसे लोग जिनको थोड़ी ठीक ठाक से तनख्वाह मिलती है ना उनका पूरा जूस निकाला जाता है नौ से नौ बाकी लोग तो फिर भी आठ घंटा ड्यूटी करके आ जाते हैं जिनकी थोड़ी सी तनख्वाह अच्छी कर देती है ना कोई कंपनी तो वो उनका फिर कहते ना समझ गया आप कोल्लू का बैल बना देती है बनाना भी चाहिए भाई देर है वो वो भी कहां से लाएंगे तेल तो तिलों से निकलेगा है ना और उनके लिए तिल वही है तो कहने का मतलब क्या होता है कि टाइम तो है ही नहीं खाली टाइम है ही नहीं अपना टाइम ही नहीं है टाइम तो बेच दिया हमने हमने बेच दिया चालीस हजार में पचास हजार में साठ हजार रुपए में अब जैसे मर्जी जो मर्जी करा लो जी बस तनखा दे देना पचास हजार यकीन करना अच्छे अच्छे टैलेंटेड पढ़े लिखे समझदार लोग और ये बताया गया है ज्यादातर लोग नौकरी करना चाहते हैं पूछोगे ना बच्चों से कि बेटा नौकरी करोगे सौ में से नाइनटी नाइन लोग हाथ खड़े करेंगे हमें नौकरी करनी है ये डाटा बता रहा है बता रहा क्यों नौकरी इजी बट उसके कंसिक्वेंसिस क्या हैं कोई नहीं जानता कितने की नौकरी मिलेगी ना कोई नहीं पूछ रहा है तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कहीं ना कहीं जो सिस्टम है हमारा आसपास का सिस्टम है वो नौकरी की तरफ तो जा रहा है लेकिन नौकरी का आउटकम क्या है उसके साइड इफेक्ट क्या है क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं कहा कम्प्रोमाइज करना पड़ता है ये हमें पता होना चाहिए हमें डिस्कशन का विषय होना चाहिए जब आप किसी ऐसे आदमी से बात करते हो कि नहीं मुझे नौकरी चाहिए यार ये बिजनेस तो नहीं करूंगा मैं कोई नौकरी होती तो मैं कर लेता फिर उस टाइम में क्या बातें करें हम उसके साथ तो आपने रिक्वेशन में क्या बोला आपने कि खाली समय में जब वो बोलेगा कोई खाली समय नहीं है आप समझ जाना कि मामला थोड़ा टाइट चल रहा है बंदे का तो हमारे पास क्या है बिजनेस है जिसमें आपका टाइम फ्रीडम भी है मनी फ्रीडम भी है लाइफ भी है जो कि नौकरी में नहीं मिल सकती उस आदमी को कोई और काम धंधे में नहीं मिल सकती है राइट तो कहने का मतलब क्या है रिक्रिएशन में आपने हॉबी की बात की आदमी बोलेगा यार शौक तो बहुत थे खेलने का शौक था है ना घूमने का शौक था ना तो टाइम है ना पैसे हैं, तो शौक पूरे कैसे करें पाल जी ऐसे बोलते हैं रोते हुए पाल जी शौक शुक तो सब खत्म हो गए अब तो ये लगता है बस हमारे बच्चे पल जाए ढंग से थोड़ी दिन की ढंग से पढ़ाई लिखाई हो जाए वही बहुत है अब अपने तो गए अब तो हम इन्हीं के अंदर देख रहे हैं इनका कुछ हो गया बेटा पार तो हमारा ही समझ लेंगे राइट मैक्सिमम 95 परसेंट लोगों की स्थिति यही है उनके खुद तो सपने पूरे हुए नहीं वो ये बोलते हैं ये सपने ना हमारे बच्चे पैदा करेंगे है ना और जबरदस्ती जिस बच्चे ने मेडिकल नहीं पढ़ना होता है ना उसको जबरदस्ती मेडिकल पढ़ा रहे होते हैं क्यों हमने खुद डॉक्टर बनना था हम तो बने नहीं हम अपने बच्चे को बनाएंगे और बच्चा बोलता है मेरे को बनना ही नहीं है फिर भी हम लगे पड़े और फिर आपने देखा भी ये न्यूज में कैसी कैसी बातें सुनने को आती है देश के अंदर मतलब उल्टा प्रोग्राम चल रहा है कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो ये अपॉर्चुनिटी है इसको पेश करने का तरीका आपका कितना कॉन्फिडेंस में है कितना विश्वास है आपको ये डिपेंड करता है जब आप सिस्टम के अंदर रहते हो सिस्टम आपके अंदर जब सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है तो लोग क्या बोलते हैं यार ये पागल हो गया है फिर आप बोलते हो मैं तो पागल हूं और मुझे तुम जानते हो मैं तो खाली पीली हूं पागल लेकिन जो इसी सिस्टम में खाली पीली पागल हो गए माला माल हो गए ना इनका मिला देता हूं मैं आपसे जब आप उनको कनेक्ट करते हो जिसको टेस्ट बोलता हूं मैं जब आप टेस्ट देते हो ना कुछ कामयाब लोगों की तो लोग रिलेट करते हैं फिर हमारी तरह मैंने भी ऐसे रिलेट किया था जब मैंने बिजनेस देखा मैंने को बताया गया कि यार ये कामयाब हो गया वो कामयाब हो गया एक इंडोनेशिया में लड़का था वो उसका घर जल गया घर जल गया आग लग गई पढ़ाई छूट गई वो तवे बेचा करता था फुटपाथ पे सीडी बेचा करता था वो आदमी राइट और जब मैंने उसकी स्टोरी सुनी तो उस टाइम पता चला आज से अठारह साल पहले की बात है कि वो लड़का उस टाइम भी लगभग पच्चीस लाख रुपया महीना में कमा रहा था 25 लाख व्यास से 18 साल पहले की बात करो मैं जब हमारे को 25000 भी आ जाए ना हम बड़े खुश हो जाते थे, थे तो कैसे आ रहा जी इसी बिजनेस से आ रहा है इतनी सारी BMW इतनी सारी ये वो इधर-उधर सारी बातें बताई कमाल होगी गई मेरे का अच्छा जी हाँ जी मतलब फिर तो करेंगे दोस्तों उसका लड़के का नाम है लुइस अभी उसने लास्ट ईयर ही 2.5 करोड़ की गाड़ी ली है 2.5 से 3 करोड़ की कार सोच यार नहीं तो यूट्यूब में जाना लुइस टनडन करके लड़के का नाम है इंडोनेशिया से इंडोनेशिया भी हिंदुस्तान से भी गैर गरीबी कंट्री है लेकिन वहां इतना जबरदस्त सोचता है हिंदुस्तान के लोगों की कमी नहीं है तो कहने का मतलब यह है दोस्तों की जब हम अप्रोच करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कब होता है जब आपका बिलीफ का लेवल जबरदस्त होता है पैशन का लेवल जबरदस्त होता है और आपको कनेक्ट करना आ रहा है क्योंकि लोग पूछेंगे छूटते ही क्या है क्या है अब नहीं बताओगे तो वो फिर डाउट में आ जाएंगे कुछ तो बताना है ना शुरू में ताकि आगे की कहानी सुने वो तो जो कुछ बताना है वो कुछ बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप ये बताओगे किसी आदमी को कि भाई साहब मुझे तो एक ऐसे शख्स मिल गए हैं या मैं एक ऐसी टीम के साथ जुड़ गया हूं मुझे लगता है कि ये जो नोटों का जो दिक्कत है ना ये आने वाले साल के अंदर साल छह महीने के अंदर अपनी नोटों की दिक्कत दूर होने वाली है बोला ऐसा क्या है भाई साहब उसी के लिए बात करनी है उसी के लिए बात करनी है और हो सकता है। है बोलना नहीं है कि तुझे करना है, है नहीं, नहीं नहीं। हो सकता है अगर आपकी कहानी समझ आ गई तो मजा आ जाएगा तो बोले क्या है भाई देख अब सारी बातें फोन पे थोड़ी पता चलेगी कुछ चीजें हैं जो मुझे तुझे बतानी है अब मिलना है कह के, के आपको मिलना है कोशिश करना है उसको थर्ड पार्टी वाली जगह में लाना है ना उसके घर जाओ ना उसको अपने घर बुलाओ एक थर्ड पॉइंट रखो जहां आप मिल सको थर्ड पॉइंट किसी और का घर भी हो सकता है अपलाइन का घर हो सकता है आपकी डाउनलाइन की डाउनलाइन कोई भी मतलब प्रोस्पेक्टिंग चल रही है तो ये आप किसी थर्ड पॉइंट में क्योंकि अगर आप उसके घर चले गए या उसकी दुकान में चले गए तो मामला कुछ और होगा हो सकता आपके पास आएगा वो इतना कंफर्टेबल महसूस ना करे ये मैक्सिमम मतलब एक मैं आपको एक वो इसको बोलता हूँ ना एक जनरल कह रहा हूं एक्सेप्शनली कुछ भी हो सकता है घर भी जा सकते हो बुला भी सकते हो सब कुछ कर सकते हो बट जो एक स्टैंडर्ड है काम करने का उसमें ये बताया जाता है कि आप थर्ड पार्टी चाहे समोसे और चाय के खर्चे करने पड़ जाए भाई साहब जिसने जिससे आप चाहते हो लाखों रुपए का बिजनेस आए हम समोसा भी ना खिलाएं हम चाय भी ना पिलाएं तो इतना शानाबंधी चलेगी नहीं बिजनेस करने निकले हैं राइट तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा तो थर्ड पार्टी में आप बुलाते हो तो आदमी आता है राइट कंफर्मेशन लेनी है और उसको कॉम्प्लीमेंट दीजिए क्योंकि सभी को कॉम्प्लीमेंट बहुत पसंद है जैसे आप बोलते हो कि मैं तो जैसे उसकी कोई ना कोई क्वालिटी होती है हर इंसान के अंदर उस क्वालिटी को आप जरूर मेंशन कीजिए अपने इन्विटेशन में कि मैं तो वैसे भी आपको बहुत पसंद करता हूँ आपका नेचर इतना अच्छा है आप बड़े सपोर्टिव हैं ठीक है ना तो और मैं तो आपसे कई बार राय लेता हूं आपकी राय जबरदस्त होती है तो किसी ना किसी रूप में जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं सामने वाले को अच्छा लगता है फिर आप उसको इन्विटेशन देते हो तो सामने वाला आने की कोशिश करता है तो दोस्तों और फिर आप ऑप्शन दीजिए दो ऑप्शन दीजिए हमेशा इस संडे को मिलते हैं या फिर ट्यूसडे को मिलते हैं दो ऑप्शन ये संडे मंडे नहीं संडे को या ट्यूसडे को ये नहीं संडे को नहीं तो अगले संडे को अगले संडे फिर बोलेगा वो अगले संडे को फिर संडे ही निकलते रह जाएंगे क्लोज ऑप्शन देना है एक दिन का गैप देके दे सकते हैं आप और फिर आप जिससे भी बात करते हैं दोस्तों आपके साथ आपका कॉन्फिडेंस एनर्जी का लेवल ऐसा होना चाहिए अच्छी वाइब्रेशन आनी चाहिए मतलब आर्टिफिशियल नहीं है ज्यादा भी नहीं कुछ ऐसा भी नहीं लगना चाहिए जो अनयूजल हो यूजल बट फीलिंग गुड कि आपको वाकई में कुछ अच्छे लोगों के साथ अब अच्छे लोग कहां पे अच्छे लोग सिस्टम में जो सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं बहुत सारे काम करते हैं तो आपके लिए वो टेस्ट मनी बन जाती है आपके लिए वो किसी का टेस्टमनी आपका खुद नहीं है यू हैव टू बोरो द स्टोरी जब तक आपकी खुद की स्टोरी नहीं है यू हैव टू बोरो अगर मेरी स्टोरी भी है मैं कितने कामयाब हूं आज भी मैं जहां पे ऐसे काम करता हूँ दोस्तों आज भी मैं अपने बारे में नहीं बताता हूँ पहले मैं पहले किस, कुछ और लोगों की कहानी बताता हूँ फिर लोग छूटते पूछते हैं भाई साहब आप अपना भी तो बता दो मैं का अपना बताएंगे तो भारी पड़ेगा ना वो बाद में लास्ट में है ना सौ सुनार की और एक लोहार की बोलते ना फिर वो होता है काम तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जब किसी को अप्रोच करना है तो कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना है किसी को कैजुअल नहीं लेना किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है जिस आदमी को आप जोड़ रहे हो वो आदमी आपको कैसे एक ऐसे डायमंड से मिला देगा आपको नहीं पता क्योंकि जिनको वो जानता है ना उनको आप नहीं जानते हो वो हो सकता किसी ऐसे डायमंड को जानता हो जो आपकी टीम में आके आग लगा दे तो किसी के बारे में अंडर एस्टिमेट ना करें और किसी के आगे हाथ ना जोड़ें रिक्वेस्ट ना करें बैगिंग ना करें बैगिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में भीख मांगना आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो आज आप चाहे कहीं भी हो आप गरीब हो कुछ भी आपकी पोजीशन है नो प्रॉब्लम यकीन करना आप में दम है कि नहीं है आपकी पोजीशन क्या है पता नहीं है जो ये अपॉर्चुनिटी है ना ये खजाना है खजाना जब खजाना हो तो कैसे पेश करना चाहिए अगर मैं आपके हाथ में एक पांच करोड़ रुपए का डायमंड रख दू डायमंड है ना कैसे रखोगे आप डायमंड क्योंकि हमारा तो ही डायमंड पे चल रहा है वी ऑल आर डायमंड सिस्टम का जो कल्चर है वो डायमंड के ऊपर ही है और डायमंड सब प्यार करते हैं एवरीबडी डायमंड राइट मोस्ट ऑफ पीपल लव डाय डायमंड आपके हाथ में आ जाए मुझे आपका नहीं पता ठीक है ना कि आप, आपकी आप पांच करोड़ की वैल्यू उस डायमंड की वैल्यू क्या समझते हो लेकिन यही डायमंड अगर मैंने किसी जोहरी के हाथ में दे दिया जोहरी वो उसकी वैल्यू जानता है जब उसको संभालेगा ना वो वो मखमल का तो कपड़ा लेगा वो समझ गए शानदार सा और आराम से रखेगा नजाकत के साथ अब पहले ध्यान से शुक्रिया करेगा भगवान को दर्शन कर लिया पांच करोड़ के कर डायमंड है ना अगर नहीं किए होंगे उसने तो क्योंकि उसका धंधा वो बिजनेस है वो जानता है उसकी वैल्यू क्या होती है एक डायमंड की दोस्तों इतना शानदार अपॉर्चुनिटी है त्यांज इंटरनेशनल बिजनेस इसको आप किस तरीके से आगे पेश कर आपकी पेशकश में वो खूबसूरती कब आएगी जब आप जोरी बन गए होंगे जब आपको पहचान है अपॉर्चुनिटी की ये वाक्य में यार कितना दमदार अपॉर्चुनिटी हमारा है। हम जैसे आम लोग गरीब लोग ऑर्डनरी लोग आज ऐसे हालात में पहुंचा दिए हैं इसको क्या बोलना चाहिए आप ये डायमंड नहीं है तो और क्या है ये तो ऐसा डायमंड है अनमोल डायमंड कीमत ही नहीं है कितने कमाएंगे आने वाले टाइम में कितने कमा चुके हैं है ना ये तो करोड़ों का नहीं अरबों रुपए का डायमंड है इस डायमंड को आप देने जा रहे हो तो क्या करेंगे आप प्लीज डायमंड ले लो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डायमंड लेने आ जाओ डायमंड ले लो रिक्वेस्ट करती हूँ मैं भीख मांगती हूँ ले लो नहीं बेस्टी हो जाएगी उल्टा हो जाएगा हमको हमें घमंड नहीं करना है कि मां पास तो डायमंड है घमंड नहीं करना है हमें हंबल रहना है है ना सेल्फ डिग्निटी रखनी है हंबलनेस रखनी है बट किसको ऊपर रखना है अपॉर्चुनिटी को भाई मैं तो जब मैं इसी बिजनेस में आया तो गरीब था मैंने हमेशा अपॉर्चुनिटी का आगे कर दिया भाई साहब आपने सुना था अभी 2 दिन पहले शेखर जी ने एक कहा एक बात कही थी शायद आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया शेखर बोरा जी उन्होंने एक बात बोली थी आप कि जब भी आप बात करें ना फ्यूचर की बात करें किसकी बात करें फ्यूचर की फ्यूचर में हम ये करेंगे फ्यूचर में हम ये करेंगे फ्यूचर में यह होगा फ्यूचर में यह अचीव करेंगे हम फ्यूचर में यह अचीव करेंगे हम फ्यूचर में जिंदगी ऐसी होगी मेरी मम्मी की जिंदगी ऐसी होगी मेरे पापा की जिंदगी मेरी वाइफ की जिंदगी मेरे हस्बैंड मेरे बीबी की मेरे बच्चे की जिंदगी हमारी जिंदगी हम ऐसा करेंगे वट इज दिस दिस इज होप होप में जो है मैक्कल है चमत्कार है जिसके पास होप है ना वो अमीर है, और नहीं है ना वो बैंक है खत्म है कहानी जादू है तो फ्यूचर के बारे में जब आप लोगों से फ्यूचर के बारे में बताते हो ना मैं बोलता था लोगों को लाल रंग की गाड़ी आएगी लाल रंग की क्या बोलता था गाड़ी आएगी मैं लाल रंग की मेरे को पता गाड़ी बोलते थे उनको वो तो लाल में भी नहीं मानेंगे लेकिन मेरे को पता था इनके दिमाग में स्ट्रक करेगा स्ट्रक है ना स्ट्राइक करेगा ये चीज मैं कहा रेड कलर की आएगी रेड कलर की मैं तो अच्छा मैं कौन सी आएगी तो उस टाइम जो चार पांच लाख की गाड़ी होती थी मान माननीय तो वही चार पांच करोड़ की थी उस टाइम तो मैं कहा अब लाल रंग की उस टाइम एक ही गाड़ी आती थी मैटीज कंपनी थी वो देवू कंपनी की एक गाड़ी आती थी मैटिस कोरिया की कंपनी थी आई थी इंडिया में देवू ऑटोमोबाइल्स की कंपनी उसकी गाड़ी थी बड़ा वर्जन था उसका सीलो वो समझ लो छोटी वर्जन थी देवू का मैटिस मैटिस लूंगा अच्छा सबको पता था मैटिस लाल रंग में बाकी तो कोई गाड़ी नहीं है जितनी गाड़ी निकली ना तो फोर्ड आइकॉन थी और वो भी वही दस लाख वाली लालो लाल वो वाली थी लाल वो नॉर्मल लाल नहीं थी वो ऐसी लाल थी अगर देखोगे कभी मेरे वीडियो बहुत सारी वीडियोस में है फिर मौका मिलने का दिखाऊंगा मैं आपको बस समझ लो कहानी फरीदाबाद बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है फरीदाबाद हरियाणा में हिमालय में इंडिया में फरीदाबाद में मुश्किल से दस गाड़ियां नहीं थी उस टाइम आईकॉन की फोर्ट आईकॉन की आई आई जब मेरे को बोला शोरूम वालों ने तो मैं कितना प्रिविलेज महसूस कर रहा था जबकि हम तो कुछ नहीं थे उस टाइम भी बड़े बड़े लोग हैं लेकिन कहने का मतलब है कि कहां से? आप पहले से करोड़पति हो कुछ भी ले लो लेकिन आप करोड़पति हो ले लो तब बनती है बात राइट तो देने का मतलब जब क्यों बोला लाल रंग की आइकन लूंगा क्यों बोला हिल गए अच्छा, गाड़ी की सोच रहा है नहां? चल पैदल रहा है सोच गाड़ी की रहा है बोल गाड़ी की रहा है अरे कैसे आ जाएगी कोई बात नहीं जिसने बोला अरे अच्छा इतना कॉन्फिडेंस है सर तो हमें भी करा दो आ जाओ वेलकम स्वागतम जो डाउट किया आउट जिसने बिलीव किया इन लेट्स फ्लाइट टुगेदर आई ना लाल रंग की जो पहली लाल आई मेरे अगली जो लाल आएगी ना और भी लंबी और चौड़ी होगी कहते हैं हाँ मैं कहा होगी लाल ही अगली बार आई ऑक्टिविया टॉप मॉडल लालो लाल प्रोग्राम है हाँ जी जब वो आ गई तो मैं अगली भी लाल ही आएगी लेकिन अब ऊंची आएगी भाई लंबी और चौड़ी तो इतनी है इससे ज्यादा नहीं हो सकती अब ऊंची आएगी तो एक्सी भी फाइव हंड्रेड महिंद्रा जी की अब फिर लोगों ने बोला भाई साहब अब मैं कहा एक और लंबी आएगी लेकिन ऊंची से और ऊंची आएगी तो फोर्ड डेबल आ गई अब लोग बोलते हैं अब कौन सी आएगी मैं कहा कोशिश कर रहा हूं जब मैं लूंगा ना हो सकता है जब तक लाल आ जाए तो बड़े वाली आएगी राइट तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों ये चीजें दिमाग में घुसती हैं फ्यूचर की बातें करते हो जब आप जब आप उस आदमी को बताओगे अपनी फीलिंग दोगे ना भाई कुछ होने वाला है जिंदगी में बोला मेरी एंट्री ले ले यार मेरे लेकिन जोड़ दे वो प्लान भी नहीं देखेगा ना समझेगा ना प्रोडक्ट हम कहा घुसे हुए प्रोडक्ट समझा रहे प्रोडक्ट समझा रहे हैं वो लात मारी जा रहा है आप सोना है सोने को भी हमें हम ऐसे पेश कर रहे हैं सामने वाले नखरे मारे मिट्टी वो कचरा यूज कर रहे हैं खुश है कचरे में हम सोना दे रहे हैं नखरे कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमारी अप्रोच ही हम उसको लग रहा है ये मेरी जेब से पैसे निकालने आया है इसलिए इसको मना करो जैसे कैसे भी करना है हम वो वाली बातें कर रहे हैं हमको बातों को सीखना है हम क्या करेंगे साढ़े आठ बजे वही पाल जी की शक्ल इतने दिन से देख तो रहे है ना अरे पाल जी की शक्ल हर रोज चमकती है देखने वाले का नजरिया होना चाहिए कल मैं सुशीला जी आई थी यहां पर जो बोल गई ना मैं यकीन करना रात भर में सोचता रहा कैसा भी होता है क्या सोचिए दिस इज द पावर पावर ऑफ सबमिशन पावर ऑफ बिलीफ पावर ऑफ होप जब आप किसी के पास जाते हो आपकी अप्रोच में ये चीजें अगर होंगी आपका लोग प्लान भी देखेंगे प्रोडक्ट भी देखेंगे ज्वाइन भी करेंगे काम भी करेंगे और टिके भी रहेंगे और लगे भी रहेंगे और तीन मंत्र कल भी फूके थे और ये तीनों मंत्र हमारे जो है ना आईडी नेट सिस्टम का कोर है कोर कोर ऑफ द सिस्टम पहला थैंक यू थैंक यू किसको करना है सबको क्यों करना है आदत है आप भगवान की पूजा करते हो ना ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर भोले माता सबकी करते हो कि नहीं करते हो नहीं नहीं मैं तो भोले की भक्तों मंदिर में गए क्या भोले जी को मानते हो बाकी सबको करना पड़ता है जाके पता नहीं किसकी कुदृष्टि गई ठीक है हालांकि ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हम क्या सोचते हैं हम इस बात के लिए नहीं करते नमस्ते वहां जाके कि उनकी कुदृष्टि पड़े हम इसलिए जा जाके हाथ पा पढ़ते हैं हमें आशीर्वाद मिले क्यों आशीर्वाद के लिए डर नहीं है रिस्पेक्ट है आप जब यहां पर थैंक यू करते हो ना वो डर नहीं है वो रिस्पेक्ट है वो मजबूरी नहीं है वो कल्चर है आपके बच्चे आते हैं आपके घर में आपके बच्चे आपके घर में कोई बड़ा आदमी आता है आपके बच्चे आपको उसके पांव पकड़ते हैं क्या है ये ये कोई मजबूरी है ये कोई डर है अंकल आ रहे नमस्ते करो नहीं तो मारेंगे नहीं पता है और अंकल को भी पता चला चार घर गया किसी ने ऐसा नहीं किया ये पांचवा घर है भाई इस घर में कल्चर है यहाँ के बच्चे देखो जब देखो कितने अच्छे तरीके संस्कारी हैं व्हाट इज दिस दिस इज द डिफरेंस टियांस तो वही है सबके लिए बट टियांस में काम करने वाले जो सिस्टम है उसमें फर्क मिलेगा चीजों में फर्क मिलेगा बहुत सारी चीजें हैं अनकाउंटेबल थिंग्स आर देयर That's why, ये तो सिर्फ ट्रेलर है जो हम बातें करते डेली आके ना ये तो ऊपर की चीज है जो ऊपर दिखाई देती है आपको इसके अंदर क्या क्या है वो तभी मिलेगा जब आपका हंड्रेड परसेंट बिलीव सबमिशन होगा तो इसीलिए जो सिस्टम है मैं बोलता हूँ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द वे वी वर्क जिस तरीके से मैं काम करता हूं जिस तरीके से हमारा सिस्टम काम करता है इट इज वेरी डिफिकल्ट नॉट मैंने क्या बोला नॉट डिफिकल्ट वर्ड मैंने बोला इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट इज नॉट डिफिकल्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट इट इज इजी तो बोला ही नहीं मैंने इजी है हमारे को समझना आई टी लाइट को समझना इजी है नहीं नहीं मैंने बोला इट इज नॉट डिफिकल्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और जिसने अंडरस्टैंड कर लिया यकीन करना आज जीवन में नॉट ओनलीस बिजनेस में जहां हाथ डालोगे को कहते ना ये आदमी जहां हाथ डालता है वहीं से सोना निकालता है ये मिट्टी को भी हाथ लगाता है तो भी सोना निकलता है वो वो चीजें चीजें पैदा होती है बिकॉज हमने सीखी है। ये जो लाख की लाइब्रेरी है ना ये किताबों की ये खाक छानने के लिए थोड़ी पढ़ी है हजारों घंटे की ट्रेनिंग जो ली है वो खाक छानने के लिए हमने क्रक्स निकाल लिया है निचोड़ होता ना निचोड़ क्या बोलते हैं उसको जैसे एक उसको बोलते हैं कि बिल्कुल किसी भी चीज का निचोड़ी बोलते हैं एक शब्द में लेकिन इसके लिए कुछ एक और, और वर्ड यूज किया जाता है जो साइंटिफिक भी हो सकता है वर्ड जैसे आपने आ, इसको एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना वो जो बिल्कुल रिफाइंड करके निकलती है चीजें ना लास्ट में कोई चीज होती है ना जैसे मान लो दूध है अब दूध से आपको घी बनाना है कितना दूध चाहिए है ना फिर उसको कितना बॉयल करना पड़ता है फिर जाके कैसे करके लास्ट में हमारे हाथ में क्या आता है घी कितना घी आता है राइट सेम चीज है कि हम हमने उसको मिनिमाइज किया है कि हम किन किन बातों को हम ध्यान रखें किन किन पैरामीटर को हम मीट करें और सक्सेस में हम कामयाब हों और ये क्या है शुरुआत कहां से होगी सिर्फ खुद से मैंने बोला इस बिजनेस में इस इंडस्ट्री में आपको ये सारे काम आपको करने हैं आपने किसी और को लीडर नहीं बना सकते हो आपको खुद लीडर बनना है आपने खुद लीडर बनना है ये सिर्फ प्रोसेस है यहां पर हम बता रहे हैं एक एजुकेशन है टीचिंग्स हैं। सिर्फ किताबें पढ़ने से या किसी के गुरु के कहने से ना गाड़ी चलानी नहीं आती है ना तैरना आता है पानी में कूदना पड़ता है प्रैक्टिकल करना पड़ता है करते करते कहानी और ज्यादा समझ आती है तो आज अप्रोच को लेकर जो बातें थी कितना कॉन्फिडेंस कैसा विश्वास कैसा होना चाहिए इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे स्टेप हैं ये भी करना है हम ये भी बोल सकते हैं ये भी बोल सकते हैं कितनी बातें बोल सकते हैं पाल भी बसनाए ऑफिशियल सक्सेस सपोर्ट सिस्टम यूट्यूब चैनल है हमारा स्टेशन पे चले जाए चेक करने के लिए ठीक है ना वहां जाकर आराम से झुने ये मामला कहां पर है ये कैसे इनवाइट करना है क्या क्या बोलना है आप सोचिए लगभग सोलह सो वीडियो जा चुकी है उधर उसमें से 500 से ज्यादा तो ट्रेनिंग वीडियो है 500 के आसपास हमारी टेस्टमोनियल वीडियो है और 500 मिक्स हैं खिचड़ी सब है और अभी तो बन रहा है अभी तो ट्रेलर बोलता मैं अभी तो बहुत कुछ ना, ना अभी दस वीडियो हो जाएंगे अगले दो साल के अंदर आपने कोई अभी तक वीडियो बनाई कब बनाएंगे आप लीडर हैं बनाना है अब यूट्यूब का जमाना है सोशल मीडिया का जमाना है बोलना शुरू कर दो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ले लो मोबाइल सामने घर में बैठ जाओ बोलना शुरू कर दे बोलते बोलते बन जाओगे लीडर स्पीकर बोले हाँ यार मैं बढ़िया बोल सकती हूँ या मैं बढ़िया बोल सकता हूँ हो गए गाँव वाले बोलेंगे अब तो प्रधान बन, प्रधान बनाएंगे गाँव का सोचिए आप अभी तक वोट डालते थे ना दुनिया हाथ खड़ा करेगी नहीं नहीं इसको वोट डालना है क्यों बहुत अच्छा बोलती है ये बहुत अच्छा बोलता है प्रधानमंत्री बना, प्रधान बनाएंगे इसको है ना गांव का या अपने इलाके का मतलब लोग आपको पहचानते हैं जब आप स्पीच देना शुरू करते हो बोलना शुरू करते हो फीलिंग शेयर करते हो आपको एड्रेस करना आता है राइट वो सारी चीजें हाँ कर रहे हैं हम तो बहुत अच्छा लगा आज का इस सेशन को आपने सुना समझा होगा इसको फायदा उठाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी को अप्रोच करना ये बेसिक पढ़ाई लिखाई है अप्रोच को ठीक कर दीजिए हाफ बिगिनिंग कहता ना वेल बिगनिंग हाफ डन ये अंग्रेजी की कहावत सौ में से सौ नंबर है इसके मैं बता दू आपको अगर विश्वास नहीं है ना तो मैं ठोक बजा के बता रहा हूं वेल बिगिनिंग मीन्स हाफ डन फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन शुरू के जो तीन सेकंड होते हैं ना वो टोन सेट कर देते हैं आगे पूरे प्रोग्राम के फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन बोला गया है दोबारा मौका नहीं मिलता है क्रिएट करने का तैयारी अच्छी होगी ना तो जीत भी अच्छी होगी बिना तैयारी के कोई नहीं जीता है और जो सीखेगा वही जीतेगा जो सीखेगा वही जीतेगा सीखोगे पढ़ाई लिखाई जो की थी दाल रोटी वाली है वो अभी तक जो की थी नाइनटी नाइन परसेंट लोगों की दाल रोटी भी नहीं हो रही है मिली नहीं रही नौकरी पढ़ाई लिखाई करने के बाद काम धंधा ही नहीं हो रहा है कुछ हिंदुस्तान में पचास लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं एक साल में पता है है आपको वो बताया गया उसमें से कौन जिनको कुछ नहीं आता है तो क्या पैसे कहाँ से देगी कंपनी उनको किस बात के देगी पैसे खाली पीली में कितने ग्रेजुएशन कर ली नहीं उसकी सजा थोड़ी भुगतेगी कंपनी मतलब दे आर नॉट कैपेबल एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है यहाँ पर इस तरह की चीजें नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये गवर्नमेंट के डाटा कह रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी इसलिए लोगों की कमी नहीं पहुंचिए लोगों तक लोगों को रोजगार भी चाहिए लोगों को हेल्थ भी चाहिए लाइफ भी चाहिए जरूरतें भी हैं और हमारे पास बहुत अच्छी चीजें हैं बहुत अच्छी लीडरशिप है बहुत अच्छी, अच्छी कंपनी है बहुत अच्छा कल्चर है और आने वाला समय अगले दस साल हिंदुस्तान के रॉकिंग है रॉकिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अगले दस साल में जो चमत्कार यहाँ होने वाला है ना याद रखना आप दस साल बाद दो में बात करना मेरे से आप लोग हवाई जहाज में उड़ रहे होंगे अपने अपने बदानों में आप गाड़िया गुड़िया तो बात की बात शानदार जिंदगी अलग बात है हिंदुस्तान में वो अभी शेर जागा है नेटवर्क मार्केटिंग का पिछले 20 साल से तो हम स्ट्रगल ही कर रहे थे मना रहे थे 10 साल ज्यादा था अब धीरे धीरे क्या हो गया एक्सेप्टेंस आ रही है लोगों को समझ आ रही है और जिसको नहीं समझ आ रही है उनको घिसने दो पिटने दो दुनिया के सारे काम नेटवर्किंग वाले करें, करेंगे यही करेंगे ना बाकी काम कौन करेगा सब नहीं करेंगे इसलिए खुश हो जाओ पता लग गया ये नहीं करेगा ठीक है तुम ये काम करना तुम वो काम करना सब सब चाहिए हमारे को सारे नेटवर्क तो बाकी दुनिया के काम कौन करेगा जी नो no प्रॉब्लम तो बहुत अच्छा लगा आज की इस ट्रेनिंग को आपने सुना होगा समझा होगा तय तो दिल से आपके लिए बेस्ट विशेष हैं हमेशा की तरह शिखर पर मिलेंगे जिंदगी के भी शिखर पर और टियांस बिजनेस के भी शिखर पर इसलिए बेटर टियांस बेटर लाइफ आई लव आई लव आई एम डायमंड वी ऑल आर डायमंड गो गोल्ड लाइन एवरी वन सुन लव गॉड ब्लेस यू थैंक यू वेरी मच